हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा 3 का गणित विषय पढ़ाने जा रही। तो गणित विषय में आज पढ़ेंगे हम हमारा प्रश्न नंबर छः हमको दिया गया है। तो मैंने आपको प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ा दिया। आज प्रश्न नंबर हम 6 पढ़ेंगे। तो देखो, नीचे एक स्कूल के छात्रों की कुल संख्या और उसमें से उपस्थित छात्रों की संख्या दी गई है। उसके आधार पर अनुपस्थित छात्रों की संख्या लिखिए। चार्ट बनाइए और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखो, यहाँ पे एक अनुपस्थित छात्र, तो ये क्या है, एक अनुपस्थित छात्र, तो ये अनुपस्थित छात्रों का लिखना है। तो अब देखो, कक्षा, फिर छात्रों की संख्या, उपस्थित छात्रों की संख्या, अनुपस्थित छात्रों की संख्या। तो अब यहाँ पे हम संख्या लिखेंगे। तो पहला क्या है, 27। क्या है, छात्रों की संख्या 27 है, उपस्थित छात्रों की संख्या 25 है, अनुपस्थित 2 है। अब देखो, यहाँ पे 23 है, 22 है और यहाँ पे हम लिखेंगे 1। कितने हैं यहाँ पे, उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, 23, अनुपस्थित 22 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 संख्या लिखेंगे। अब तीसरा है 24, छात्रों की संख्या 24, 21 हाजिर हैं और 3 गैर हाजिर है। इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे देखो, चौथा नंबर है, 22 संख्या है, 18 हाजिर है और 4 गैर हाजिर है। फिर यहाँ पे देखो 5, तो 25 हाजिर है, 25 कुल संख्या है, 23 हाजिर हैं और 2 गैर हाजिर है। अब देखो यहाँ पे कुल, तो 121, 109 और बराबर 12। क्या है, 121, 109 और बराबर यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। तो इस तरह से ये हमको कोष्टक में दिया है, कोष्टक में हमको लिखना है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसके आधार पे हमको प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं बच्चों। तो प्रश्नों के उत्तर देखते हैं हम। तो देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, कौन सी कक्षा में सबसे ज़्यादा छात्र अनुपस्थित है। तो कौन सी कक्षा में अनुपस्थित है ज़्यादा, 4। कौन सी कक्षा में, 4 नंबर की कक्षा में। कितने, तो 4 गैरहाजिर है। क्या, कितने, 4 गैरहाजिर है। फिर दूसरा है, कौन सी कक्षा में सबसे कम छात्र अनुपस्थित हैं। तो 2 नंबर में। क्या है, ये 2 नंबर है और कितने अनुपस्थित हैं, 1 नंबर उपस्थित है। फिर तीसरा है, स्कूल में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। तो 12। कितने हैं, स्कूल में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं, तो 12। कितने हैं, 12 उपस्थित हैं। तो ये लिखेंगे 12 उपस्थित हैं। फिर 4 नंबर, कक्षा 3 में कितने छात्र अनुपस्थित है। कक्षा 3 में कितने छात्र अनुपस्थित हैं, तो 3। कितने हैं, 3। तो यहाँ लिखेंगे 3। फिर देखो 5वां, कक्षा 3 और कक्षा 5 में कुल मिलाकर कितने छात्र अनुपस्थित हैं। क्या है, कक्षा 3 और कक्षा 5 में कुल मिलाकर कितने छात्र अनुपस्थित हैं, तो 5। कितने हैं, 5 अनुपस्थित है। छठा है, कक्षा 2 और कक्षा 4 में कौन सी कक्षा में ज़्यादा छात्र अनुपस्थित हैं। तो देखो, 4 अनुपस्थित छात्रों की संख्या का तफावत कितना है। पहला क्या है, कक्षा 2 और कक्षा 4 में से कौन सी कक्षा में ज़्यादा छात्र अनुपस्थित है। तो 4 अनुपस्थित छात्रों की संख्या और तफावत कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो अब यहाँ पे देखते हैं 7वां, कक्षा 1 और 5 में अनुपस्थित छात्रों की संख्या का तफावत कितना है। तो कक्षा 1 और कक्षा 5 में अनुपस्थित छात्रों की संख्या का तफावत कितना है, तो 0 है। कितना है, 0 है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, छात्र स्कूल किस तरीके से आते हैं। उसकी जानकारी नीचे दी गई है। उसके आधार पर चार्ट बनाइए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला, स्कूल आने का तरीका और यहाँ पे छात्रों की संख्या। तो ट्रैक्टर, बस, कार, साइकिल, पैंडल रिक्शा, पैदल, स्कूटर और घोड़े पर। तो देखो किस तरह से आते हैं, तो ट्रैक्टर में 3, बस में 9, कार में 4, साइकिल पे 5, पैंडल रिक्शा में 4, पैदल 11 और स्कूटर पे 2, घोड़े पर 1। तो इस तरह से हमको ये यहाँ पे दिया गया है। अब इसका हम आगे चित्र देखते हैं। देखो, चित्र में भी बच्चों की स्कूल के बारे में बताया गया है। देखो यहाँ पे बच्चों की स्कूल के बारे में बताया है चित्र में। अब देखो, स्कूल आने के कौन से तरीकों में छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो पैदल और कितनी है, 11। कितनी है, पैदल है और कितनी है, 11 है।
फिर देखो दूसरा नंबर, स्कूल आने के कौन से तरीकों में छात्रों की संख्या सबसे कम है। दूसरा क्या है, स्कूल आने में के कौन से तरीकों में छात्रों की संख्या सबसे कम है, तो क्या आएगा, घोड़े पर सबसे कम, सबसे आता है घोड़े पर, और कितनी है, एक है। क्या है, कितनी है, वो संख्या एक है। अब तीसरा नंबर है, कितने छात्र बस में स्कूल आते हैं, कितने छात्र बस में स्कूल आते हैं, तो नौ। कितने हैं, देखो यहाँ पे तीन, तीन छः, तीन नौ, कितने छात्र स्कूल पे आते हैं, बस में आते हैं, नौ। अब कितने छात्र साइकिल लेकर स्कूल आते हैं, तो कितने छात्र साइकिल लेकर स्कूल आते हैं, तो पाँच। कितने, पाँच आते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पाँच। अब पाँचवा है, कार में और स्कूटर, वो स्कूटर पर स्कूल आने वाले कुल छात्र कितने होते हैं, कार में और स्कूटर पर स्कूल आने वाले कुल छात्र कितने हैं, तो कार पे और स्कूटर पे आने वाले कुल छात्र कितने हैं, छः। कितने हैं, छः, तो यहाँ लिखेंगे छः। फिर छठा है, पैंडल रिक्शा और घोड़े पर स्कूल आने वाले कुल छात्र कितने हैं, क्या है, पैंडल रिक्शा और घोड़े पर स्कूल आने वाले कुल छात्र कितने हैं, तो पाँच। कितने हैं, पाँच है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाँच। फिर देखो आगे, सातवां नंबर, स्कूटर पर स्कूल आने वाले छात्रों की अपेक्षा बस में स्कूल आने वाले छात्र ज़्यादा हैं या कम, तो देखो ज़्यादा हैं, और कितने हैं, सात है। सातवां फिर से पढ़ती हूँ बच्चों, स्कूटर पर स्कूल आने वालों की छात्र अपेक्षा बस में कुल आने वाले छात्र ज़्यादा है या कम, तो ज़्यादा, कितने हैं, कम, तो ज़्यादा, और फिर यहाँ पे लिखेंगे कितने, सात हैं। अब आठवां है, पैंडल रिक्शा में स्कूल आने वाले छात्र पैदल आने वाले छात्रों की अपेक्षा कितने कम है, तो क्या आएगा, सात। आठवां क्या है, पैंडल रिक्शा में स्कूल आने वाले छात्र पैदल जाने वाले छात्रों की अपेक्षा कितने कम हैं, सात हैं। और नौवां है, साइकिल पर स्कूल आने वाले छात्रों की अपेक्षा पैदल आने वाले छात्र कितने ज़्यादा है, क्या है, नौवां, साइकिल पर स्कूल जाने वाले छात्रों की अपेक्षा पैदल आने वाले छात्रों की कितने ज़्यादा है, तो कितने, छः। फिर दसवां है, कौन से दो तरीक़ों से स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या समान है, कौन से दो तरीक़ों से स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या समान है, तो कार और रिक्शा, क्या है, कार और रिक्शा। तो बच्चों मैंने आपको आज इतना कराया, एक बार मैं फिर से आपको ये प्रश्न के जवाब पढ़ा देती हूँ, फिर आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में कंप्लीट करना है। तो पहला क्या है, कौन सी कक्षा में सबसे ज़्यादा छात्र अनुपस्थित है, तो चार, और कितने, तो भी चार, चौथी कक्षा और चार अनुपस्थित है। दूसरे, कौन सी कक्षा में सबसे कम छात्र अनुपस्थित है, तो दो में, और कितने, एक हैं। फिर तीसरा है, स्कूल में कितने छात्र अनुपस्थित है, तो बारह। फिर चौथा है, कक्षा में कितने छात्र अनुपस्थित हैं, तो तीन। फिर पांचवा है, कक्षा तीन और कक्षा पाँच में कुल मिलाकर कितने छात्र अनुपस्थित हैं, तो पाँच। फिर छठा है, कक्षा दो और कक्षा चार में से कौन सी कक्षा में ज़्यादा छात्र अनुपस्थित हैं, चार। अनुपस्थित छात्रों की संख्या का तफावत कितना है, तीन। फिर सातवां है, कक्षा एक और पाँच में अनुपस्थित छात्रों की संख्या का तफावत कितना है, जीरो। अब देखो इतना हमने प्रश्न के जवाब किए, अब इसके आगे हम एक बार ये भी फिर से पढ़ा देती हूँ आपको बच्चों। तो पहला, स्कूल आने के कौन से तरीकों में छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो पैदल, और कितनी है, ग्यारह है। फिर दूसरा, स्कूल आने के कौन से तरीकों में छात्रों की संख्या सबसे कम है, तो घोड़े पर, और कितनी है, एक है। फिर तीसरा है, कितने छात्र बस में स्कूल जाते हैं, तो नौ। फिर चौथा है, कितने छात्र साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं, पाँच। फिर पाँचवा है, कार में और स्कूटर पर स्कूल आने वाले कुल कितने छात्र हैं, छः। अब छठा है, पैडल रिक्शा में घोड़े और स्कूल आने वाले कुल छात्र कितने हैं, तो पाँच। फिर सातवा है, स्कूटर और स्कूल आने वाली छात्रों की अपेक्षा बस में स्कूल आने वाले छात्र ज़्यादा है या कम, तो ज़्यादा, और कितने हैं, सात हैं। फिर देखो, पैंडल रिक्शा में स्कूल छोड़ने वाले छात्र पैदल आने वाले छात्रों की अपेक्षा कितने कम है, तो सात हैं। फिर नौवा है, साइकिल पर स्कूल जाने वाले छात्रों की अपेक्षा पैदल आने वाले छात्र कितने ज़्यादा हैं, तो छः। फिर दसवा है, कौन से दो तरीकों से स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या समान है, तो कार और रिक्शा में। तो बच्चों आज मैंने आपको पेज नंबर 210
और 211 पढ़ाया है वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, अपनी स्वाध्याय पोथी में कंप्लीट करना है। तो बच्चों आज के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी, पर आपको जो ये पाठ 13 है वो आपको इतना आपकी स्वाध्याय पोथी में कंप्लीट कर देना है, ठीक है बच्चों। जहाँ तक मैंने पाठ चला है उतने आप अपनी मम्मी पापा बड़े भाई बहन की सहायता से कर सकते हैं, और इसमें मैंने यूट्यूब पे आप सर्च मारोगे तो हमारे वीडियो भी आएंगे, तो बच्चों उसमें से भी देख के आप अपनी स्वाध्याय पोथी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी, आगे के वीडियो में आगे पढ़ाऊँगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू।